हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं पूजा पाठ, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल से जुड़े ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, जैसे कि मैं पितृपक्ष पे कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, कोई भी चीज़ नहीं बची है, छोटे मोटे सवाल जवाब रह जाते हैं जिनका जवाब मैं कमेंट में देती रहती हूँ। अपनी 100% कोशिश करती हूँ कि किसी का भी ना छूटे, क्योंकि किसी भी यूट्यूबर के लिए जवाब देना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, एक मिनट का काम होता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। जो लोग नहीं देना चाहते वो लोग नहीं देते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपके कमेंटों का जवाब दूँ, ताकि आपके बीच कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते हैं, मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊं जो कि मैं जानती हूं, जहां तक मैं जानती हूं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि विसर्जन कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, आप एक पॉलीथन ले लीजिएगा या आप एक कागज़ ले लीजिएगा, एक बर्तन ले लीजिएगा, जो 9 दिन आप उन्हें फूल चढ़ाते रहते हैं, तस्वीर पर फूल, माला, धूप बत्ती, जो भी आप है उस सबको इकट्ठा करके एक पन्नी में अलग रखते दीजिएगा, कहीं टांग दीजिएगा, रख दीजिएगा। जो आप 15 दिन पानी देंगे तो उस गमले में क्या होगा, जयंती निकल आएंगी। ठीक है, समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स मैं क्या कह रही हूँ, उसमें जयंती निकल आएंगी। आप उन्हें जो आप हवन करेंगे, पंडित जी आपका, अगर पंडित जी से आप हवन करवाएंगे, जो आप हवन करेंगे उसकी राख हल्की सी जलती रहे, अगर हवन करवाते हैं तो उसकी राख आग थोड़ी सी उसमें ज्वालिया बनी रहे, ज्वाला उसकी बुझे ना, तो आप दोपहर में जब आपका सारा कार्यक्रम हो जाए तो आप वो जयंती को ऐसे पूरी निकाल लीजिएगा, तो मट्टी सहित आ जाएगी, उसी राख में रख दीजिएगा, तो हल्का सा क्या होगा, सुलग जाएगा। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि उस हवन के आसपास आपके पितृ देवता जो है वो इकट्ठे होंगे, एकत्रित होंगे, आपके नाना दादा दादी जो भी हैं परिवार के पितृ, सब वहाँ चाचा चाची जो भी हैं सब इकट्ठे होंगे। उससे क्या होगा, उसका जो धुआं निकलेगा ना, उससे उन्हें पोषण मिलेगा। पोषण का मतलब आप लोग समझ रहे हैं फ्रेंड्स, कि पोषण मैं आपको कैसे समझाऊं, जैसे हम लोग प्रसन्न भी होंगे, पोषण का मतलब नहीं, जैसे हम लोग कोई चीज़ खा ले तो उससे शरीर को पोषण मिलता है, इसी तरीके से उनकी आत्मा को पोषण मिलेगा उसके धुएं से। तो वो ज़रूर वहाँ करिएगा, वो सामग्री वहाँ रख दीजिएगा और उससे उनको पोषण लगने दीजिएगा, बहुत पोषण मिलेगा, बहुत खुश हो जाएंगे और आपको आशीर्वाद देकर ही जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके बाद आपको सामग्री का करना क्या है, आप उस सामग्री को घर में विसर्जित मत करिएगा, भूमि विसर्जन उसका नहीं करते हैं, उस सामग्री को हम लोग जल में विसर्जन करते हैं। तो देखिए, फूल से कभी भी इन्वायरमेंट ख़राब नहीं होता है, क्योंकि फूल जो है वो जल में मिल जाता है, ज़मीन में बैठ जाता है और फिर नया पौधा उगाता है, और घास और मिट्टी ये भी पानी को कभी इन्वायरमेंट को ख़राब नहीं करती। इन्वायरमेंट को ख़राब करता है कपड़ा और प्लास्टिक, ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट को ख़राब करती हैं, ये दोनों चीज़ें कभी ख़राब नहीं करती। तो आप देख लीजिए कि आपके यहाँ कोई तालाब हो, पोखरा हो, नदी हो, तो आप ये सारी सामग्री उठा के वहाँ शाम के समय में विसर्जन कर दीजिएगा। और उसके बाद आप अपने पितरों से जब घर आएँ तो आप उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करिएगा कि पिताजी, हमने आपका जो है वो श्राद्ध भी कोशिश करके बहुत अच्छे से करने की कोशिश की है, अगर आपको कोई और कष्ट हो, कोई और तकलीफ़ हो, तो कृपया करके सपने में आके बताने की कोशिश ज़रूर करें, ज़रूर एक बार सपने में आए, आशीर्वाद अपना हमें ज़रूर दें। और यकीन जाने फ्रेंड्स कि अगर उन्हें आपका पानी लगा होगा, भोजन लगा होगा, ज़रूर आपके सपने में आएंगे, ज़रूर सपने में आकर आपको ये बात कहेंगे कि नहीं भाई हमको मिला था, हम बहुत खुश हैं। नहीं कहेंगे, दिखाई ज़रूर देंगे, अवश्य दिखाई देंगे, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो आप करिएगा और उनसे कहिएगा कि देव, अब आप अपनी जगह को प्रस्थान कर सकते हैं और हम सबको आशीर्वाद देखिए, बच्चे आपके वंश बेल बढ़ती रहे, खूब तरक्की करें, खूब सुख समृद्धि हो, ताकि आपका भी नाम रोशन कर सकें, इस तरीके से आप कहेंगे। और आप फिर चाहें तो उस दिन या उसके अगले दिन अपनी अपनी जो आपकी तस्वीरें हैं, जो आपने नीचे अलमारी में रख रखी होंगी या टेबल पर या चौकी पर, जहाँ कहीं भी रखी रखी होंगी, आप उन्हें उठा के अपनी दीवार पर, जहाँ भी आप उन्हें रखते हैं, दीवार पर टांगते हैं, अलमारी में रखते हैं, तो दीवार पर आप उन्हें टांग दीजिएगा, उनके ऊपर हार चढ़ा के उन्हें दीवार पर टांग दीजिएगा। उससे क्या होगा, आसानी से वो लोग अपने अपने पितर जो हैं, हमारे पितर देवता हैं, अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर जाएंगे, चले जाएंगे। आप जो है रंगोली को साफ़ कर लीजिएगा, फिर आप चाहें तो उसके 15 दिन बाद घर का जाला निकाल लीजिएगा, साफ़ सफाई कर लीजिएगा और दान अवश्य करिएगा। फ्रेंड्स, दान करना मत भूलिएगा, पितर पक्ष के नाम से या पितरों के नाम से दान करना बहुत शुभ माना गया है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सोना, चांदी, हीरा या इस तरीके की चीज़ें दान करें। मेरे बहुत से प्यारे, एक बहुत ही प्यारे व्यूवर्स हैं, पता नहीं क्या उनके दिमाग में रहता है, बोलते हैं हम गरीब हैं, हम ये बात समझ ही नहीं पाते हैं, आप अमीरों वाली पूजा दिखाती हैं, तकलीफ़ होती है ऐसे शब्दों को सुन के। दान का मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, दान का मतलब
एक सुई का दान भी बहुत महत्व लगता है जरूरतमंद के लिए। अगर कोई सी जरूरतमंद को एक सुई की जरूरत है ना, तो आप उसे सही समय पर अगर सुई भी दान कर रहे हैं ना, तो उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। दान का मतलब आप 1 किलो दाल ले ली, 4 लोगों में बांट दिया। दान का मतलब आपने 1 किलो चावल ले लिया, 4 लोगों में दे दिया। दान का मतलब आपके पास 20 रुपये, आपने 2-2 रुपये 10 लोगों को दे दिए। जरूर डूबने वाले को तिनके का सहारा बहुत होता है, और इस समाज में भगवान ने हम लोगों को इस लायक बनाया है कि आप दान कर सकें। अगर आपके पितरों ने, आपके इष्ट देव ने आपको इस लायक बनाया है, तो दान ज़रूर करिएगा। उससे आपके पितरों को भी शांति मिलेगी, आपके मन को खुद शांति मिलेगी। आप करके देखिएगा, जैसे हम लोग को पूजा करके शांति मिलती है ना, ऐसे ही हम लोगों को दान करके भी शांति मिलती है। तो फ्रेंड्स, पितृपक्ष की लगभग लगभग मैंने सारी वीडियो बना दी है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कोई और सवाल जवाब है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहती है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है। आप लोग ज्ञान बढ़ाएंगे लोगों का, तो लोगों का ज्ञान भी बढ़ेगा, लोगों को जानकारी मिलेगी। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने स्वास्थ्य का और सेहत का विशेष ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।